गाइस अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग करने जा रहे हैं ब्लू कलर फूड चैलेंज, और मैंने उसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। और ये मेरी फुल ड्रेसिंग है, मेरी बिल्ली सो रही है। हेलो सोम। और चल के हम लोग सीवियस फूड चैलेंज करते हैं, क्योंकि सीवियस चैलेंज की बहुत डिमांड है और आप सब लोग मतलब मेरे हर वीडियो के नीचे आप ही सीवियस फूड चैलेंज करें। तो आज हम लोग चलते हैं और चल के सीवियस चैलेंज करते हैं फॉर ब्लू कलर ओनली। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, तो मैंने अपनी मोटी जैकेट पहन ली है ऊपर। अब मैं फुल रेडी हूँ, तो चलें चलते हैं। ये मैंने अपना कार्ड उठा लिया है पेमेंट के लिए, मुझे कैश की रखने की ज़रूरत नहीं है। तो आज बाहर मौसम बहुत ही ठंडा हो रहा है, क्लाउडी मौसम है और धूप भी नहीं निकली। तो गाइस सीवियस फूड चैलेंज के लिए मैं ये GS25 कन्वीनियंट स्टोर आई हूँ। अच्छा गाइस, कोरोना की वजह से ना इन्होंने सारी चेयर्स को बंद करके रखा हुआ है कि बैठ ना सकें, लेकिन शायद यहाँ पे बैठना अलाउ है। तो एक जगह मैं ये देख लेती हूँ, मैंने अपने बैठने की जगह कंफर्म कर ली है। अब हम ढूंढते हैं यहाँ से ब्लू कलर की चीज़ें, देखते हैं कि क्या मिलता है। मुझे तो बहुत भूख लग रही है, पहले एक बास्केट उठा लेते हैं और अब यहाँ से देखते हैं कि क्या मिलता है हमें ब्लू कलर में। ओके गाइस, मुझे ये ब्लू कलर में ये जेली मिली है, फोदो जेली, बहुत ही मज़े की लग रही है, एक ये ले लेते हैं। ओके गाइस, चेक करें मुझे क्या मिला है। मुझे ब्लू कलर में ये सोडा मिला है, पुयू सोडा, और ये है 1001 का, तो एक ये ले लेते हैं। तो इन दो चीज़ें लेने के बाद मेरी होप्स थोड़ी ज़्यादा हो गई हैं कि मुझे मिल जाएगा कुछ खाने को। 5 minutes later. नहीं गाइस, मुझे ब्लू कलर में खाने की कोई भी चीज़ नहीं मिली, इंस्टेड मुझे ब्लू कलर के ये टिश्यू पेपर और डिटर्जेंट मिला है। ये ले लूँ थोड़ा सा, ऑल आई कैन सी इन ब्लू इज दिस। अगर आप लोग मेरे फॉलोअर हैं तो आप लोगों को ये भी पता होगा मैं ना मिंट नहीं खाती, लेकिन मुझे मिंट में यहाँ पे एक बिस्किट नज़र आया ब्लू कलर में, तो भूख लग रही है, लेना पड़ेगा, ये ले लेते हैं। तो लेट्स गेट दिस मिंट ओरियो ब्लू कलर में। गाइस बहुत फिरने के बाद मुझे ब्लू कलर में ये कॉर्नफ्रोस्ट नज़र आए हैं, तो मैंने मरना तो है नहीं भूख से, तो मैं ये ले लेती हूँ अपने लिए। ये 1600 का एक पैक है, ये भी वैसे ब्लू के ज़ुमरे में आता है। ये पिंक है, ये चॉकलेट है और ये ब्लू, क्या ख्याल है आप लोगों का, ले लूँ ये। मज़े का लग रहा है यार। ओके गाइस, तो मेरी ब्लू कलर की सारी शॉपिंग हो गई है, चल के चेकआउट करते हैं। लेट्स एंजॉय। ओके गाइस, तो अब हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं ब्लू फूड चैलेंज फ्रॉम CVS। पीछे शोर बहुत आ रहा है, गाने चल रहे हैं, तो पहले क्या स्टार्ट करें। मुझे याद आया कि इसमें तो दूध भी डालना पड़ेगा, तो मैं दूध पहले लेके आती हूँ, एक सेकेंड। ओके गाइस, तो मैं दूध भी लेकर आ गई हूँ। दूध भी मैंने एज यूजुअल ब्लू कलर में लिया है और इसकी प्राइस है 1450 कोरियन वॉन। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना खाना। तो सबसे पहले मैं कॉर्नफ्रोस्ट खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। तो ये खोल लेते हैं हम मिल्क इस तरह से, ये इसमें मैं डाल रही हूँ इस तरह से। इसके अंदर कंटेंट है कॉर्नफ्रोस्ट, काफ़ी सारे हैं, मुझे लग रहा था बहुत थोड़े होंगे, मुझे भूख ज़्यादा लग रही है। फुल हो गया, बाकी मैं ऐसे पी लेती हूँ। तो गाइस, मैं इसको जल्दी जल्दी खाऊंगी, क्योंकि जितना जल्दी जल्दी खाऊंगी उतना क्रिस्पी क्रिस्पी होंगे, वरना बिल्कुल ही गीले गीले हो जाते हैं, मज़े के नहीं लगते हैं, मज़े के लग रहे हैं। ये मेरे बाहर का व्यू है, ड्यूरिंग PhD हम लोगों ने बहुत खाया है, हमने ना 5 किलो का इतना बड़ा थैला मंगवाया हुआ है। जैसे ख़त्म होता है फिर और ले लेते हैं, तो घर में भी बहुत पड़ा हुआ है। स्टूडेंट्स और जॉब वालों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, सुबह सुबह जब कुछ नहीं बनाने का दिल कर रहा, जल्दी जल्दी कॉर्नफ्रोस्ट खाओ, निकल जाओ। वैसे भी ऑफिस में लंच मिलता है, तो अच्छा हल्का फुल्का नाश्ता करके बंदा जाए, ऑफिस का लंच दबा के खाए। कोरिया में जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं ना सब में बस में, तो मोस्टली कॉफ़ी और इस तरह की लिक्विड चीज़ें अलाउ नहीं होती हैं, तो बस जल्दी जल्दी जो भी होता है ना खा के जाना होता है। तो या तो घर से खा के जाएं, या इस तरह किसी भी कन्वीनियंट स्टोर में बैठ के खा के कचरा वचरा फेंक के फिर जाएं। ये चम्मच इतना छोटा सा है ना, योगर्ट वाला चम्मच है यार, उसमें दूध नहीं आ रहा, तो दूध जो है ना मैं ऐसे ही पी लेती हूँ, मज़े का लग रहा है बहुत। अब मैंने क्योंकि दूध वाली चीज़ें खा ली है ना, तो ऐसे लग रहा है जैसे मेरा पेट बिल्कुल फुल हो गया हो, और सुबह उठ के मैंने जो है ना सिर्फ नाश्ते में 1 कप चाय पिया था। तो चाय पहले पी लो ना खाने से, तो वैसे ही लगता है कि आपका पेट भर गया। तो मुझे अब जो है ना काफ़ी देर बाद भूख लगी थी, तो मैंने कहा चलो कुछ खाते हैं चल के, और आज चैलेंज करते हैं। पहले मुझे समझ नहीं आ रही, पहले मैं केक खाऊं, जूस पीऊं, बिस्किट खाऊं या जेली खाऊं। तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो कर लेते हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरा 100-100 को निकला।
सो को लगा पता नहीं क्या, चोर निकल के भागा। केक खाते हैं, केक खाने का दिल कर रहा है। तो पैकिंग बड़ी इनकी कमाल की होती है, एक पैकिंग वो, एक पैकिंग ये। मुझे पता था कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मैं ये करूँगी, आप लोगों को ना उम्मीद नहीं किया मैंने। ओके, तो अब हम ट्राई करते हैं अपना मिल्क केक, सॉफ्ट एज बटर। बहुत ही डिलीशियस है। बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट और लाइट लाइट सा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। और जो इसकी क्रीम है ना, बिल्कुल लाइट मीठे वाली है। दिल कर रहा है पूरा ही खा जाऊँ बैठ के, पूरा ही खाऊंगी। अच्छा गाइस, जो जो लोग यहाँ पे बैठे खा रहे हैं ना, उनसे वो वैक्सीन के सर्टिफिकेट भी देख रही है ये जो बंदी है ना। तो शुक्र है मेरा वैक्सीन का सर्टिफिकेट मैं साथ लाई थी, वरना अभी अपने सारे ब्लू फूड चैलेंज के साथ घर बैठे खा रही होती। यार ये बड़ा मसला है कि अगर आपका वैक्सीन नहीं लगी हुई ना, तो फिर आप कहीं जा भी नहीं सकते। तो अभी हमारी दो वैक्सीन लग चुकी हैं और थर्ड वैक्सीन शायद लगवानी पड़ेगी। बड़ा डर लग रहा है यार, थर्ड नहीं लगवानी। मैंने क्वार्टर ऑफ द केक खा लिया और अब मैं सोच रही हूँ कि ना कुछ और चीज़ पे शिफ्ट करता है, ये ना हो कि मेरा खाने का दिल ही ना करे। ओके, अब बारी आती है हमारे नीले नीले ओरियो की। इसे खोल के देखते हैं, यार मेरी उम्मीद नहीं है इससे। चलो शुक्र है कि इसमें ना दो पैकेट्स हैं, एक मैं खोल लेती हूँ, एक नहीं भी खाया जाएगा ना तो घर ले जाऊंगी। मैं ये अपने साथ क्यों किया। लिटरली ऐसे लग रहा है चॉकलेट के दरमियान में मैं टूथपेस्ट रख के खा रही हूँ। मुझे समझ नहीं आती मिंट वाली चीजें लोग बनाते क्यों हैं। शायद कुछ लोगों को अच्छी लगती होंगी या इस सोच से बनाते होंगे चलो दांत भी साफ हो जाएंगे। ऑफिस में ऐसे खाने खाने चाहिए कि आपके मुंह से महक भी आए मिंट की और खाने का खाना भी हो जाए। बाकी मैं ऑफिस खाऊंगी। मैंने सिर्फ ब्लू कलर चैलेंज के हिसाब से बस खा लिया है, चैलेंज एक्सेप्ट किया मैंने। ओके, व्हाट्स नेक्स्ट। ये खा लिया, ये खा लिया, ये खा लिया, ये ट्राई करते हैं। वाह, इसको खोल के इतनी एकदम से खुशबू आई है ना, अंगूरों की खुशबू आ रही है इसमें से। चलो एक ये ट्राई करते हैं, इसे खोलते कैसे और खाते कैसे हैं पता नहीं। इसके ऊपर ये छोटा सा ना एक बना हुआ है, यूं करके दबा के शायद खुलेगा। ये आई होप ये छोटा सा ना इसके ऊपर हुक सा लगा हुआ है, इसको ऐसे करेंगे और ये खुल जाएगा, आई होप सो। नहीं खुला। नहीं खुला। शायद मैं ही गलत खोल रही हूँ आई गेस। इसे यहीं से खुलना चाहिए था। खुल गया, खुल गया, खुल गया। बिल्कुल बच्चा फील हो रहा खाते हुए। उर्वा ऐसी चीजें खाती है शौक से बहुत ज्यादा। तो गाइज एक्चुअली इसमें बस ब्लू कलर की जेली है और जब उसको दबाते हैं तो ऊपर आती है, और इसका टेस्ट जो है ना बिल्कुल ऐसे अंगूरों जैसी जेली वाला है, और रियल अंगूर नहीं है, ऑफ कोर्स आर्टिफिशियल फ्लेवर डला हुआ है, लेकिन मज़े की लग रही है। और ये है कि इसके लिए कोई चम्मच की ज़रूरत नहीं है, गंद भी नहीं होगा, गिरेगी भी नहीं, अच्छी पैकेजिंग है। खोलना मुश्किल है, ये शायद मैंने ही गलत खोली है। जो लोग कोरिया में रहते हैं अगर आपको पता हो तो कमेंट्स में बताइएगा कैसे खोलते हैं। इस पैकेजिंग का एक नुकसान है कि आपकी जो जेली रह गई है वो रह गई है बस। मैंने बहुत कोशिश की, नहीं निकल रही। अपनी पूरी कोशिश करने के बाद मज़ा बहुत आया खा के, मज़े की थी। चलो अब हम लोग ये पीते हैं पूयू सोडा। इस सोडे में सोडा ही होगा, जैसे पाकिस्तान में डिफरेंट सोडा के कलर्स वाली बॉटल्स मिलती है जैसे फांटा होते हैं, तो ये भी इसी तरह की एक बॉटल है। और इसके अंदर ना बिल्कुल बबल गम फ्लेवर आ रहा है। अगर आपने पाकिस्तान में कौन सी बबल खाई होगी, नॉर्मल बबल गम फ्लेवर नहीं है, बहुत ही ज़्यादा जैसे कैंडी कैंडी फ्लेवर होता है ना, वो फ्लेवर वाली स्मेल आ रही है। स्ट्रॉन्ग भी है लेकिन मज़े की है, बहुत स्वीट है। मेरे कॉन्फिडेंस का लेवल चेक करें, आस पास में कोरियन बैठे हैं और मैं अपने कमेंटियाँ पास कर रही हूँ। मैं नॉर्मली सोडा पीती नहीं हूँ, सोडा ना मुझे बहुत जाके दिल में लगता है, लेकिन फिर भी मैं काफ़ी पी गई हूँ, बाकी बंद कर देती हूँ, नहीं पिया जा रहा, मज़े का बहुत है वैसे। तो ये सारा मैंने कचरा फैलाया है, ये सारा चुन के फेंक के आते हैं। मैंने सारा खा लिया, मेरा पेट फटने को हो रहा है, और दूध भी बहुत मज़े का था, बहुत ही गाढ़ा गाढ़ा था। ये इसी कंसिस्टेंसी है, 195 कैलोरीज।
और इसमें कितनी कैलोरीज थी, इसमें थी 116 कैलोरीज, तो 200-300 और कुछ इसकी कैलोरीज होंगी, तो मैंने 400-500 कैलोरीज ऑलमोस्ट खा ली हैं। और नॉर्मली भी मैं इतना ही खाती हूँ, जितना भी होता है मैं तो खा लेती हूँ आँखें बंद करके। ओके गाइस, तो इसके साथ हमारा ब्लू फूड चैलेंज यहाँ पे ख़त्म होता है। बहुत ही मज़ा आया मुझे ब्लू फूड चैलेंज का। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को कितना अच्छा लगा है CVS चैलेंज, और नेक्स्ट फूड चैलेंज कौन कौन से होने चाहिए। आप लोगों की जितनी भी रिक्वेस्ट आती है मैं सब पढ़ती हूँ, और मैं स्लोली स्लोली सारी वीडियोस बनाऊंगी, मतलब पर्पल भी बनाऊंगी, बाकी सारे फूड चैलेंज भी जो आपने कहे हैं मैं करूंगी, बस जैसे जैसे टाइम मिलेगा। ब्लू फूड चैलेंज के साथ मैं यहाँ पे करती हूँ आपसे अल्लाह हाफिज़। सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग्स। बाय बाय।